रांची की रिप्यूटेड संस्थान द नेक्सस एकेडमी, क्योंकि द नेक्सस है तो सब संभव है। द नेक्सस आपको सिर्फ परीक्षा की तैयारी ही नहीं कराता, बल्कि आपको सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचाने का काम करता है। तो जल्द आएं और नामांकन कराएं। द नेक्सस एकेडमी आज ही संपर्क करें। द नेक्सस एकेडमी नियर मंगलम टेंट हाउस, थाना के पश्चिम गढ़वा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मांझी आपसे अनूप सिंह की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के सरकर कोनी गांव निवासी साबिर खान के 41 वर्षीय पुत्र तबरेज खान के घर में प्रतिबंधित मांस होने की गुप्त सूचना पर थाना प्रभारी ने दलबल के साथ जाकर छापेमारी की। छापेमारी दल में शामिल पुलिस को देखते ही तबरेज खान ने घर से भागने की कोशिश की, पुलिस वालों ने उसे दौड़कर पकड़ लिया। छापेमारी के दौरान उस व्यक्ति के घर में गाय का कटा हुआ सिर तथा लगभग 60 किलो गौ मांस के साथ ही 4 छुरी, 1 गडासी, 1 जंग लगी तलवार, तराजू, बटखारा एवं 2 काले रंग के टब पाए गए। इधर सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द को खराब करने और ठेस पहुंचाने के जुर्म में केस कांड संख्या 2/20 धारा 153A 295A भादवी 12/13 गौवंशीय प्रतिषेध अधिनियम 2005 एवं 11 पशु क्रूरता अत्याचार अधिनियम 1960 के तहत गिरफ्तार कर तबरेज खान को जेल भेज दिया गया। नगर पंचायत क्षेत्र स्थित मांझिया खुर्द गांव में शिविर लगाकर युवा समा सेवी मारुत नंदन सोनी के द्वारा लगभग 300 कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान मांझिया खुर्द व गहिड़ी गांव के 300 वृद्ध महिला पुरुष गरीब असहाय विकलांग व विधवा शामिल हुए। इस दौरान समाज सेवी मारुत सोनी ने कहा कि ठंड व कनकनी को देखते हुए नगर पंचायत क्षेत्र के गाहेड़ी, छोटकी, मांझियाव सहित कई वार्डों में निरंतर वृद्धि, असहाय, विधवा, विकलांग एवं अन्य असहाय लोगों के बीच कंबल दिया जा रहा है। कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग 500 कंबल वितरण करने का लक्ष्य रखा गया था, पर जरूरतमंदों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लगभग 200 और भी कंबल का वितरण किया जाएगा। कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। इस तरह के सामाजिक कार्य करने से जरूरतमंदों की मिली दुआ से आत्मीय सुख मिलता है। इसके पूर्व भी हमने अनेकों तरह से समाज सेवा की है और आने वाले समय में भी अनवरत करता रहूंगा। अभी तो लोगों को कंबल दे रहे हैं, इसके अलावा लोगों के बीच अगर हमें सेवा करने के लिए मौका मिलेगा तो हम समाज सेवा करने के लिए हरदम तैयार हैं। इस दौरान लाभुक फूलमती देवी, सुनीता देवी, विमला देवी, मीना कुंवर, मुद्रिका राम, शांति कुंवर, चंद्रावती देवी, पार्वती देवी, मुन्नी कुंवर, लखपति देवी, जीरा कुंवर सहित सैकड़ों लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस मौके पर सुदामा सिंह, अवधेश तिवारी, प्रमोद जायसवाल, विश्वनाथ ठाकुर, सत्येंद्र सिंह, बलराम मेहता, शिव शंकर ओझा, अरविंद दुबे, नागेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। क्या कार्यक्रम हो रहा है आपकी तरफ से? पूरे नगर पंचायत मझियाओ के अंतर्गत पड़ने वाले सभी वार्डों में, सभी गांव, सभी टोला नगर पंचायत मझियाओ के अंतर्गत पड़ने वाले में मेरे द्वारा कम्बल का वितरण किया जा रहा है ठंडी को देखते हुए। फिर आने वाले समय में सुख दुख में सभी लोगों के साथ मैं रहूंगा। और भी मेरे द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा सामाजिक हित के तहत, जैसे गरीब गुर्गों को शादी ब्याह हुआ, मरनी जीनी हुआ, हम अपने सौजन्य से अपने तरफ से गरीब लोगों को मदद देने का काम करेंगे। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मारुत नंदन सोनी मेरा नाम हुआ। आपका कंबल वितरण करने का कुछ और टारगेट? जी, मेरा कंबल वितरण करने का मेन टारगेट है गरीबों का सेवा करना। जो असहाय हैं, जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, उनको सेवा करना। उनको सेवा करने से हमको बहुत खुशी प्रदान होता है। वो जब हमको आशीर्वाद देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं निरंतर जारी रखूंगा अपने जीवन काल में गरीबों का सेवा करना। अपना नाम बोल दिए, बोलू नाम। धन्यवाद।